आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हांगकांग यानी 200 छोटे बड़े द्वीपों का समूह। हांगकांग का अर्थ होता है सुगंधित बंदरगाह। इन दिनों हांगकांग के लोगों में एक अजीब सा गुस्सा है, कुछ खोने का डर है, या फिर इन सब से कहीं ऊपर उन्हें अपनी आजादी छीनने की चिंता है। बात यह है कि चीन की योजना हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लागू करने की है। यही वजह है कि लोग वहां विरोध कर रहे हैं। आज तक रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मसौदा चीन की संसद में पेश किया गया है और एक दलीय व्यवस्था में इसका निर्विरोध पारित होना भी निश्चित है। यह कानून क्या है, इसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार संसद में पेश किए गए मसौदे के बारे में बता रही हैं इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सारिका दुबे। मुख्य रूप से ये बताया गया है कि चाइना की सरकार को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी तरह से अपने विरोध में होने वाले अभियानों को, अलगाववाद के प्रदर्शन को और ऐसे किन्हीं प्रदर्शनों को जो चीन की सरकार की शक्तियों को कम करते हो या उन्हें अंडरमाइन करते हो, उसकी अथॉरिटी पे विश्वास ना करते हो या उसे कम मानते हो, तथा चाइना के खिलाफ किया जाने वाला किसी भी तरह का जो वॉयलेंस है, जो जिसे वो टेररिज्म का नाम देते हैं, ऐसी किसी एक्टिविटीज अगर की जाती है तो चाइना की सरकार को उसे रोकने का और इसमें संबंधित व्यक्तियों को दंड देने का अधिकार होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसी गतिविधियां जो किसी भी बाह्य विदेशी शक्तियों को हांगकांग में हस्तक्षेप का अधिकार देती हैं, उन्हें भी इसी श्रेणी में रखा जाएगा और इन्हें रोकने का अधिकार चीन सरकार को होगा। इसमें एक सुझाव भी दिया गया है कि चीन को हांगकांग में अपना एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस, एक संस्था को गठित करने का भी प्रयास करना चाहिए जो वहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने का कार्य करे। इसका मतलब है कि चाइना को यह अधिकार हो जाएगा कि उसकी अपनी एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हांगकांग में होगी जो कि वहां पे चीन के हितों पर ध्यान रखेगी और उसके विरुद्ध होने वाली किसी भी कार्यवाही को रोकने का अधिकार रखेगी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कही गई है कि आर्टिकल 23 जो है, बेसिक लॉ के तहत जो आर्टिकल 23 है, उसकी शक्तियों पर थोड़ा असर पड़ने वाला है क्योंकि इस कानून के बाद आर्टिकल 23 को अपनी तरह से डिफाइन करने का अधिकार चाइना की सरकार को प्राप्त हो जाएगा। इसमें तीन शब्दों का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है, सेक्सेशन, सबवर्जन, टेररिज्म। तो इसके तहत वो सारी गतिविधियां आ जाएंगी जो किसी भी तरह के एजिटेशन को, जो किसी भी तरह के डिमॉन्स्ट्रेशन को, विरोध प्रदर्शन को अगर चीन के खिलाफ किए जाते हैं हांगकांग में, तो वो सब इसके दायरे में आ जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि चीन आखिर ये क्यों कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले हांगकांग की कहानी को समझना जरूरी हो जाता है। हांगकांग जो है वो पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था 1997 से पहले तक। 1984 में चीन की सरकार और ब्रिटेन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत ब्रिटेन ने हांगकांग को चाइना को हैंडओवर करने का निर्णय लिया। और ये 1997 में जो एग्रीमेंट हुआ, यह जिस प्रिंसिपल पर काम कर रहा था उसे वन कंट्री टू सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जहाँ की हांगकांग के पास बड़ी मात्रा में हाई डिग्री ऑफ ऑटोनोमी होगी, स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। सिर्फ विदेशी मामलों और रक्षा मामलों को छोड़ दिया जाए तो अगले 50 सालों तक शेष सभी क्षेत्रों में, सभी मामलों में हांगकांग को यह स्वायत्तता या ऑटोनोमी प्राप्त होगी। इसके परिणाम स्वरूप हांगकांग के पास अपना एक अलग सेल्फ, उनका लीगल सिस्टम है, उनके पास बहुत से राइट्स हैं, उनके पास लिबर्टीज हैं, उनके पास फ्रीडम ऑफ असेंबली है और उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सिविल लिबर्टीज हैं।
और इसके तहत जो हांगकांग का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो करेंटली जो वर्तमान में है वो वहाँ पे 1200 मेंबर्स का एक इलेक्शन कमीशन के द्वारा बहुमत से चुना जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हांगकांग के लोगों को डर है कि इस वजह से उनके नागरिक अधिकार छिन सकते हैं। हांगकांग के लोग क्यों डरे हुए हैं, इस पर डॉक्टर सारिका दुबे। हांगकांग के लोगों में इतना डर क्यों व्याप्त हो गया है, इसके तहत जो सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है वो है सिविल लिबर्टीज वहाँ के लोगों की समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज है फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू प्रोटेस्ट, माने कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको बोलने का अधिकार है, जो कि चाइना का सिस्टम अलग है, वहाँ के नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन हांगकांग में ये है। तो ये कानून अगर बन जाता है तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार भी लोगों से समाप्त हो जाएगा, इसे संवर्जन की कैटेगरी में रखा गया है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हांगकांग का जो जुडिशियल सिस्टम है उस पर भी बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी ट्रायल्स है वो वहाँ पे क्लोज डोर में पर्दे के पीछे इस तरह से कंडक्ट किए जाते हैं। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित माना जा रहा है कि जो हांगकांग का आकर्षण है ना, वहाँ का बिजनेस है, वहाँ का जो इसे इकोनॉमिक पावर हाउस कहते हैं, इस पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा चाइना की मोनोपोली या उसकी उसके अधिकार क्षेत्र के विस्तार हो जाने के साथ ही साथ। तो ये बहुत बड़ा डर है वहाँ के लोगों में कि इससे उनकी ऑटोनॉमी, उनके जो बेसिक राइट्स हैं, उनकी जुडिशियरी जो पावर है, जो ये सारी चीजें चली जाएंगी। हांगकांग पर चीन के नए कानून लागू करने को लेकर दुनिया के कई देश नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस मामले को देखेंगे। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि ये क्या है, क्योंकि अभी तक इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। यदि ऐसा होता है तो हम इस मुद्दे को सख्ती से देखेंगे। आने वाले समय में ही ये साफ हो पाएगा कि इस कानून से हांगकांग में कितना बदलाव आता है। इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो।